तो प्यारे मित्रों, दिल्ली में गर्मी से हो रहा है बुरा हाल। 46, 47, 48 कितना टेम्परेचर हो रहा है पता नहीं। अब गाड़ी में एसी चलता है, ठंडा बाहर निकलते हैं गर्म, फिर ठंडा, गर्म करते करते एकदम सिर जो है दर्द हो जाता है, पूरा दिन सिर दर्द हो जाता है। तो उसके लिए अब हमको क्या क्या एहतियात बरतनी पड़ती है दिल्ली में घूमने के लिए, आपको मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले ग्लोनियम 200, ये डॉक्टर साहब ने हमें सजेस्ट करी है। जब भी हेडेक होता है धूप से तो इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करने से जो है उसमें काफ़ी हमें राहत मिलती है हेडेक में। कभी कभी पूरा ठीक हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा होता है तो वो थोड़ा कम हो जाता है। तो अपने डॉक्टर से पूछ के ये आप यूज़ कर सकते हैं। नंबर टू पे मैं यूज़ करता हूँ नवरत्न तेल। नवरत्न तेल जो है वो मैं ट्राई करने के लिए लाया था, ठंडा ठंडा कूल कूल, दिसंबर में, सर्दियों में लाया था। और मैंने दिसंबर में लगा लिया गलती से, ठंड पड़ रही थी एकदम, और इतना ठंडा उसने कर दिया मेरा सिर, उसमें पता नहीं कपूर होता है कि क्या होता है, कि मुझे 7 बार तो शैम्पू करना पड़ा, उसको धोना पड़ा, तब जाके वो थोड़ा निकला उससे। तो नवरत्न तेल यूज़ करता हूँ मैं, और मैं प्रैक्टिकल सीरियसली बता रहा हूँ, उसको लगाने से बहुत फ़र्क पड़ा। जिन जिनको भी ये हेडेक की प्रॉब्लम है, धूप में जाने से हेडेक हो जाता है, एक्चुअली मैं बताऊँ धूप में जाने से नहीं होता है, ये एसी धूप, एसी धूप, एसी धूप, इससे होता है। तो या तो उसको अवॉइड कर, अभी देखो मैंने एसी चला रखा है 28 पे, इधर वाला मेरा 28 पे चल रहा है, उधर वाला ठंडे पे चल रहा है। तो नवरत्न तेल से बहुत मुझे फ़र्क पड़ा है, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं एक्सपीरियंस किया है। नवरत्न तेल ठंडा ठंडा कूल कूल, बहुत फ़र्क पड़ता है उससे। सिर दर्द जब भी मैंने लगाया तो नहीं हुआ है अभी तक। तो नंबर तीन पे आपको ऐसा आइटम दिखा रहा हूँ मैं, देना चाहूँ कि आपको मज़ा आ जाएगा उस आइटम को देख के। देखिए, ये आइटम धूप से बचने के लिए जो मैं यूज़ करता हूँ, ये देखिए, इसको पैर में लगा के, ये देखो, दिल्ली में धूप से बचने के लिए, दिल्ली एनसीआर, देखिए ये, इसको बोलते हैं कोरियन कैप, और प्यार से हम इसको बोलते हैं मधुमक्खी पालन कैप। तो ये टोपी हो गई, और ये पीछे इसकी छतरी, पूरे शोल्डर कवर, और ये इसका मास्क का भी काम करता है। इसमें कोरोना में हमने इसको मास्क की तरह भी यूज़ किया है काफ़ी। तो अगर आप में हिम्मत है इसको पहनने की और बाहर निकलने की, तो आप इसको ज़रूर यूज़ करिए, कोरियन कैप। और इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये पूरा ढक लेती है आपको, अदरवाइज़ आप छतरी यूज़ करो। और अगर आपको ज़्यादा स्टाइल मारना है तो आप कोरियन कैप मेरी तरह इसको यूज़ करो, इसको पहन के भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो देखिए क्या क्या करना पड़ता है हमें दिल्ली में रहते हुए गर्मी से बचने के लिए। चलिए मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।